हम गूगल सीट में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अपना डैशबोर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कल हमने डैशबोर्ड जो बनाया था उस पर चलते हैं एक बार। तो यहाँ हमने डैशबोर्ड इतना कंप्लीट कर लिया था, अब यहाँ पे ये जो 8 सेक्शन है इस सेक्शन को फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है इनकम पर ऑर्डर। सॉरी ठीक है, यहाँ इनकम पे सामने। एक मिनट, इनमें क्या है, यहाँ पे इनकम पर ऑर्डर, तो यहाँ पे करेंगे इनकम, यहाँ पे ये क्या हो गया, इनकम पर ऑर्डर, ठीक है। ठीक इसको सेंट्रल करते हैं, है, हाँ। बोल्ड करते हैं, और इसमें इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैंने किया मर्ज कर मर्ज। दिया। अब यहाँ जो इनकम पर ऑर्डर होगा वो उसमें हमें होगा सम ऑफ इनकम, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ ठीक प्रॉफिट डिवाइड बाय काउंट ऑफ प्रॉफिट, काउंट ऑफ है। सेल। तो यहाँ हम सम लगाएंगे, सिंपल सा सम, इफ की जरूरत नहीं है, सम ठीक डेटा में गए, है, ठीक डेटा है, में जाने के वैल्यू बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट। फिर इसको डिवाइड हम करते हैं काउंट, काउंट काउंट एक जरूरत नहीं है काउंट, क्योंकि आईडी को काउंट कर रहा है ना, इसलिए ये करेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा, आईडी भी ले लेगा, मैंने कि हेडिंग भी ले लेगा। तो ये आ गए हमारे ए, बट ये डेसिमल्स में आई है, तो यहाँ हम राउंड का फॉर्मूला राउंड। ROUND राउंड, राउंड में ब्रैकेट किए और जीरो यहाँ पे कॉमा जीरो, जीरो और इसको हम थोड़ा सा बीच में करते हैं, और इसको साइज में यहाँ पे 16 कर देता हूँ, और साथ में तो बोल्ड कर ये देता सर एक एक को भी लिया है ना, पहले वाले कॉलम को भी हूँ। राउंड काउंट किया है ना इसमें। नहीं कॉलन ए में आईडी नंबर ऑफ बिलिंग हुआ ना, ये तो आईडी काउंट अच्छा करेंगे, ठीक है, इसमें आपने 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 ओनली काउंट का लगाया, ठीक है, काउंटे नहीं लगाया। ठीक जी है, काउंट डन। नहीं लगा। ओके समझ में आया। अब यहाँ पे आता है कि ठीक हमारा 70% है, तो क्या है कि सिस्टम की तरफ से डिफाइन है हमारा जो 5000 डिफाइन है कि हमारे पास इनकम पर ऑर्डर 5000 होना ही चाहिए, तो हमने कितना टारगेट अचीव किया है, तो इन अच्छा, दोनों को 5,000 सिलेक्ट का करके मतलब ये देखिए फिक्स है। फिक्स है। तो यहां पे ठीक हम क्या है, करेंगे, इसको ये डिवाइड बाय 5,000, डिवाइड बाय 5000, 5,000 इसको इसको परसेंट में परसेंटेज कन्वर्ट, में कन्वर्ट कर देते हैं, और बोल्ड इसको करके साइज बोल्ड, इसका 14 बढ़ा 14 दिए, कर देते हैं साइज, और कर देते हैं बोल्ड, कंडीशन फॉर्मेटिंग। और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा लेंगे या लगा दूं, कोई नहीं, लगा लूंगा। यहाँ पे एज इम्पेटी ने, यहाँ पे एज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कुछ होना चाहिए ना, 40-50% जो हाँ भी। ग्रेटर देन, हम यहाँ पे वैल्यू दे देता है 0.50, और इसकी कलर जो है वो हो जानी चाहिए ग्रीन, ठीक है, 0.50 सर, 50%। तो ओनली 50% लिखने से क्या दिक्कत है? हाँ अच्छा, इसमें तो 50% ले लेंगे, अच्छा लेस देन लग गया, इस ग्रेटर देन करना था ना, तो भी और 50% होगा ना, अब तो ये आप 2% भी करिएगा तो ये 0.5% से ज्यादा हो जाएगा। यही तो समझना है सर, यही चीज तो अभी तक नहीं समझे हैं आप। अब इसको 2% अगर करते हैं तो नहीं होगा। ठीक ये चीज तो समझना है, अभी तक आप ये चीज समझे ही नहीं, नहीं सही रहेगा ये वाले के। ठीक है, जब आप यहाँ पे 10% लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, 0.10, 1.10, तो 50% क्या होगा, 0.10। जी हाँ, इसकी अगर जनरल फॉर्मेट में इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक से नंबर अच्छा, लगाएंगे तो जन क्या आएगा, नॉर्मल करेंगे तो जीरो समझे, पॉइंट वन जीरो हाँ जीरो तो 50% क्या होगा, पॉइंट फाइव जीरो जी हाँ बिल्कुल सही समझा तो फिर ये 1% कब आएगा फिर?
0.01 जीरो, तो परसेंट में कभी भी करना है तो हमें 0 पॉइंट के बाद ही डालना पड़ेगा। जी जी, डिवाइड बाय 100, नंबर डिवाइड बाय 100, ठीक है। अगर नॉर्मल 50% में लिखता तो सर उसमें दिक्कत होती सर। अच्छा, तो वहां मेरे को परसेंट देना पड़ता, यहाँ पे आपने परसेंट नहीं दिया था, ओनली आपने 0.5 कर दिया था, जी है ना? जी हाँ, यही तो, यही तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है ठीक है, अगर मैं, हाँ अगर मैं 50% लिखता तो भी काम कर जाता? नहीं, आई थिंक नहीं करना चाहिए, नहीं करता ना? हाँ, मेरे ख्याल से शायद नहीं करेगा। क्योंकि एक्सेल में नहीं करता है, इसलिए मैं ट्राई नहीं किया। अच्छा, इसीलिए तो। एक्सपेंस पर ऑर्डर, तो यहाँ पे ठीक है, एक्सपेंस पर ऑर्डर में यहाँ पे हमें सबसे पहले सेम जो हमने फॉर्मूला लिया है, सेम एकदम फॉर्मूला, एकदम, सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें बस क्या ये चेंज चेंज हो है, जाएगा, इसमें जो ये हमारा चेंज हो सम है जाएगा। ना, एच बाई एच एक्सपेंस का है हमारे पास, हाँ, एक्सपेंस से डी, तो सम ये रहा डी। जो यहाँ डी बाई डी हो जाएगा, एच हाँ, की डी जगह बाई पे डी, डी, डी बाई डी। ठीक है। और यहाँ हमारा ये कितना है? ठीक 1000 रुपीज पर है हमारा खर्चा, है, डिवाइड तो इसको डिवा इसको हमने बाई 1000। 50% आ गया, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, कंडीशन फॉर्मेटिंग कि ग्रेटर भाई ये देन 50, 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए नहीं कम एक्सपेंस है ना, कम चलेगा, ज्यादा नहीं ना? हाँ, चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझे ना। रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, वो तो वही है सर। अच्छा, ठीक है, जीरो उसके बाद ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन पॉइंट 5, फोर 4, 0.4 हो गया हुआ, ना? हाँ, और 4-0। इसको रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को यहां से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस पर ऑर्डर के जगह पे आता है हमारा एक्सपेंस न्यू ऑर्डर, क्या आ गया, न्यू ऑर्डर, एक्सपेंस पर न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, एक्सपेंस तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, समेव, वाला तो एक्सपेंस ही रहेगा। नहीं यहाँ अच्छा, पे न्यू ऑर्डर, ठीक न्यू है ठीक ऑर्डर, है, समझ गया समझ गया। एक बार मेरे को सीट नहीं देखा था ना, इसलिए याद नहीं आ रहा था मेरे को। ठीक है, तो एक्सपेंस समिप्स, पर न्यू ऑर्डर पे हम एवरेज भी लगा दें, तो एवरेज ही तो है, हाँ, तो इससे बड़े एवरेज ही लगा दीजिए। हाँ, जी हाँ एवरेज इफ लगा देते हैं, एवरेज नहीं, एवरेज इफ, एवरेज ही। एवरेज इफ इसलिए क्योंकि हमें न्यू चाहिए ना, तो क्राइटेरिया रेंज हो गया ऑर्डर वैल्यू, इस पे हमने कर दिया एन, ठीक और हमारा एक्सपेंस हो है ठीक गया है ठीक एवरेज रेंज, तो न्यू का एवरेज आ गया है 500, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन ऑप्शन आता है प्रॉफिट पर ऑर्डर, अब यहां इसको भी भी गलती राउंड में हो गया, करना पड़ेगा ना फिर? गलती हो गया, हाँ यहाँ राउंड कर देते हैं, एक चीज गलती हो गया सर, यहाँ जो इनकम है ना हाँ, वो वैल्यू होगा, समझे, ठीक है, तो यहाँ जो हमने, हमने क्राइटेरिया गलत ले लिया। हाँ ये जो हमने एच बाई एच कॉलम लिया है, एच बाई एच कॉलम नहीं हाँ, होगा, ये डी ई बाई होगा, ई बाई डी, कॉलम, ई होगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने ई को सिलेक्ट किया, इधर भी ई को, और यहां भी ई कर देते हैं, प्रेस एंटर, अब सही है। और यहां जो हमारा आएगा से, एक मिनट इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक, फिर ये कंडीशन फॉर्मेटिंग क्यों नहीं काम किया सर? उसमें किस पे, 70% हुआ तो नहीं कंडीशन ऑपरेटिंग इसमें नहीं दिया, मैं लगाया नहीं, नहीं लगाया तो था, ग्रीन हमने किया था पहले से ही, तभी तो इस पे तो उसको हम, एक कंडीशन बार ब्लू कलर आपने डाला था, फिर ग्रीन कलर डाला। नहीं, यहाँ पे नहीं लगा,
इज ग्रेटर देन 50.5 दिया था ना हमने, जीरो जीरो पॉइंट फाइव जो नहीं लगाया था सर, ये पॉइंट मैंने इस जीरो पे लगाया था। इसी पे आपने मेरे को बताया था ना पहले, तभी तो दूसरे सेल पे आपने मेरे को करके बताया था, कह चल हो सकता है हट गया होगा। सकते हैं। ठीक ठीक है, है, अब यहाँ पे हम करते हैं प्रॉफिट फॉर ऑर्डर, तो यहाँ पे हम करेंगे सम, प्रॉफिट सम मिलेंगे, हम लेंगे अपना प्रॉफिट एच बाई एन ठीक है, डिवाइड डिवाइड बाय काउंट काउंट ये वाला ए बाई सी, सेलेक्ट, ठीक है ब्रैकेट बंद एंटर, राउंड और इसको राउंड में लगा देना। राउंड और यहाँ पे 0.0 राउंड नजर काउंट उसने वगैरह। कुछ दिखा था, राउंड का गलत लग गया। अच्छा ठीक है, हो ये गया हो गया हो गया। ठीक है, और यहाँ हम फाइव हमारा जो होता है कितना परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, हाँ प्रॉफिट 5,000। 5,000 ठीक है, ठीक और इसके है। अंदर जाते प्रॉफिट अगर इसका कितना है, 40% या 50%? जी प्रॉफिट जो है, नहीं प्रॉफिट 80% के आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये देखिए, अच्छा। यहाँ से मैं डिलीट किया था ना, यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये भी हट जाएगा इसका भी। अब देखिए अच्छा इट्स ग्रेटर हाँ देन, हाँ हट गया। हट गया ना, ये दोनों हट गया, दिख रहा है क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे इसलिए, तो आप लगा लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है, मैं तो पहले इसको सारा बना लूंगा, तब कर एक एक पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दूँ। अपने जी आप आ ही गया सब पे। कंट्रोल जेड कर दिए। ठीक यहां पे मुझे अपना इनकम टारगेट पूरा करना है। है ठीक है, ये 70% ठीक है ना, है। हाँ तो इसी जो यहाँ पे दिया है इसी का मुझे लाइन चार्ट चाहिए, इस तरह का चार्ट चाहिए। चार्ट है ना। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी इस पे आते हैं गूगल शीट पे, इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ इसको इन करके इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक और यहाँ पे हम 100% देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट चार्ट, चार्ट लाइन और चार्ट, इसमें हम बार चार्ट, नो लाइन चार्ट, बार चार्ट। अच्छा बार चार्ट। हाँ बार चार्ट दो दिखाएगा ना। दो दिख रहा है लेकिन मुझे इसके ऊपर नो राइट करना था। कहीं उसका एक ही तो नहीं बनाया आपने, दोनों को सेलेक्ट करने के बजाय कहीं एक का ही बनाया हो? ये देखिए 100% आ गया ना, हाँ ठीक है, आगे ये अब यहाँ पे बार टू जो है 100% और बार वन जो है हमारा ग्रीन है, हाँ 70% सही तो है। ये लाइन वाइज जितने हैं सबको डिलीट कर दीजिए, कांट डिलीट, सेलेक्ट करके जस्ट डिलीट करके, डिलीट नहीं हो रहा है। ओके हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अच्छा हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं चाहे तो इसे हटा नहीं सकते हैं यहाँ। अच्छा इसमें हटाने का सिस्टम ही नहीं है, नहीं एक्सेल में तो हटाने का एक्सेस है लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस को हटा नहीं सकते, ठीक समझे। ठीक चलिए कोई बात नहीं, हटा नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी को छोटा कर देते हैं। ज्यादा छोटा कुछ दिखेगा नहीं, और दिखेगा दिखेगा, इसको बढ़ा देंगे इधर।
ठीक है, अच्छा लग रहा है ना मैट्रिक्स पहले से। हाँ फिर यहाँ पे 100%, तो ये जो ब्लू वाला है ये क्या है? ब्लू वाला पूरा प्रॉफिट है? हाँ आप इसको रेड और ग्रीन भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करके एडिट चार्ट। ठीक है। एडिट चार्ट में मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आया और सीरीज, सीरीज में हमने ब्लू को कर देता हूँ ग्रीन, फिल कलर हमने बोला ग्रीन होना चाहिए, ठीक है ठीक सही है ना सर। है। हाँ ठीक है, तो ग्रीन वाला जो है वो अपना प्रॉफिट है 70%। जी 70% के आसपास। मेरे को थोड़ा दिक्कत लग रहा है, मेरे को लगा 70% थोड़ा और आगे जाना चाहिए था। ये मेरे को 50 के करीब, 50 नहीं 60 कह सकते हैं। आपको लग नहीं रहा है ऐसे देखने से वैसे, है ना? एक मिनट चाहिए तो ऐसा दिक्कत लग रहा है तो आप आते हैं एडिट में और इसके आते हैं सीरीज में, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आते हैं और यहाँ मिनिमम हम कर देते हैं 0, हाँ मैक्सिमम कर देते हैं 1, अब भी नहीं हो ना। जीरो और 10 करिएगा एक बार। नहीं, सही है, सोने ऑन सोने 10। ओके। नहीं, इसमें गलत नहीं है, हमने यहाँ जो 100% लिया है ना स्टैंडर्ड, मेक पे स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, एक लाइन किधर गया इसका, रेड लाइन दिख तो रहा है। ओके एक मिनट, यहाँ आता हूँ स्टैंडर्ड पे और फिर सीरीज में आता हूँ ओरिजिनल एक्सिस में। अच्छा अब सही है सर। देख लो, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा, आप खुद भी देखोगे तो आपको भी एहसास हो जाना चाहिए कि 70 तो नहीं लग रहा है। हाँ ये कम से कम 1 से 1.5 इंच और इधर आएगा ना तो 70 का ही एहसास होगा। हालांकि उस अपने डेटा के हिसाब से उसने 70 ही दिए होंगे, लेकिन देखने से लग नहीं रहा है वैसे। 30 में इतना है तो 30 में इधर इतना भर जाएगा। एक मिनट, इसको दोबारा से चार्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक अच्छा, ये 100% स्टैक चार्ट जाता है, स्टैक बार चार्ट में हम देखें, नहीं स्टैक बार चार्ट में दोनों के एक लाइन बना दिया ना। एक काम करते हैं, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर ओवरलाइन, ये भी अगर आप देखो तो 70% वो पूरा भर रहा है और ये 30% में एकदम पूरा थोड़ा सा कम भर रहा है। लाइन
एक्सेल ऐसा फ्रीडम नहीं है इसमें सर। एक्सेल में क्या है कि इन दोनों को हम आपस में चलो एक के ऊपर चढ़ा देते हैं, पीछे चला जाता है कि ऊपर चला जाता है, बट यहाँ ऐसा फिर नहीं है। 100% स्टैक चार्ट अगर करते हैं तो दिखता जाता है, लेकिन फिर परसेंटेज घबरा जा रहा है, क्योंकि फिर वो एक मिनट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 70 हुआ ना। इक्वल 100% माइनस 100%। अच्छा, वो 100% का 70% का बना दे रहा है ना? नहीं अच्छा, दोनों को जोड़ के, नहीं देखो होता है क्या, दोनों को जोड़ देता है, जोड़ने के बाद जो है जितना आता है उसके हिसाब से बांट देता है, तो 170 पे बना रहा था चार्ट। ठीक है अब जो अब है, 100 पे बना रहा है। हाँ अब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको लिंक कर देते हैं 70% से, अब हो जाएगा सर, समझ में आ गया। हर चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, और यहाँ पे 70 100% माइनस जो है परसेंटेज हो, दोनों मिला के 100% होना चाहिए, दोनों मिला के क्या होना चाहिए, हाँ, 100%। वो अब ठीक हुआ है। अब ठीक हुआ ना सर। उस समय ये एक वो 100% ले रहा था, एक 70 ले रहा था, 170% का वो डेटा दे रहा था। जी हाँ, तो हर किसी का कुछ ना कुछ उपाय होता है क्या। हमें इसको ग्रीन कर देना है। बस ठीक है, डन। और फिर इसको ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं, लाइनिंग डिलीट हो गया देखते हैं, लेकिन लाइनिंग डिलीट नहीं हुआ था लास्ट टाइम ना। कोई नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है सर, तो बाकी तो बना लेंगे ऐसे ही, हाँ ठीक है, वो तो अभी क्या आपने करना इनकम दिखा दिया, है वैसे ही एक्सपेंस का मैं देख लूंगा, देख के बना लूंगा, कोई इश्यू नहीं। अब आपको क्या करना है कि बस इन यहाँ तीनों में ये वाला ये चार्ट वाला, बनाना है। हाँ हाँ चार्ट, बस वो चार्ट ही बनाना है। अब इसमें क्या करना है आपको हाँ कि एग्जैक्टली इक्वल करना है, पहले रखना है 50% को और फिर किसी डिवाइड बाई 100, डिवाइड परसेंटेज कर दीजिए, और फिर यहाँ पे बाई 100% सौ डिवाइड बाय इसको डिवाइड करना बाय है। ये वाला ठीक है लिंक कर सर, दिया। ये क्या हो गया, अच्छा परसेंट गलत हो गया ना, माइनस डिवाइड नहीं दिया ना, नहीं, परसेंट के बाद माइनस डिवाइड करना नहीं है, दिया ना। माइनस करना है, डिवाइड नहीं सर, हाँ माइनस। हाँ माइनस। फिर इंसर्ट, फिर हमारा इन चार्ट हो जाएगा चार्ट। सर। चार्ट में यहाँ पे आइए, यहाँ पे वाला ये चार्ट ले हंड्रेड लिया। परसेंट वाला चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये हाँ 100% स्टेक चार्ट है वाला, एक वैसा हो गया फिर। नहीं, बीच वाला था सर, सेकंड वाला था, हाँ सेकंड वाला था। नहीं नहीं यही था, यही वाला था मेरे ख्याल से। हाँ ये इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट किए चार्ट, क्या, चार्ट में गया मैं यहाँ 100%, यहाँ पे 100%, यहाँ पे दो देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं आठ कॉलम, इसको ले दिखा सर, कुछ समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखिए ठीक है, समझ गया। ऐसी चार्ट करना अपने है, रो को स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, इससे पहले स्विच नहीं था इसलिए दिक्कत हो रही। ठीक है, इंसर्ट समझ गया। चार्ट, चार्ट यहाँ हंड्रेड पे डाल परसेंट दीजिए 100% वाला, हंड्रेड डाल परसेंट दीजिए वाला और ये ठीक डिलीट है, कर डिलीट दीजिए और इसको कर इसमें दिया। लगा दीजिए, इसको यहाँ इसको पेस्ट कर रखिए दिया। आगे और इसको लंबा कर दीजिए, हो गया क्लियर है। ठीक है, ब्लू को मैं बाकी ग्रीन कर सकता हूँ। हाँ, बाकी अपना जो करना है कर लीजिएगा, तो ये आपका डैशबोर्ड बन गया, उसके बाद इसको कर दीजिएगा यहाँ से हाई, आई
ताकि आपका ये चीजें न दिखे, अगर हाइड होने पे दिक्कत हो तो इसके कलर व्हाइट होना हाँ। चाहिए। और जब तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इसका बाहर कोई रो कोई छू टच ही ना कर पाए। एक मिनट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे राइट क्लिक करके करते हाँ हैं, हाइड होने पे चार्ट चला जाता है, चार्ट चला गया ना, देखा ना सर। हाँ चला गया बैकग्राउंड हाँ तो इसकी कर दीजिए यहाँ पे कलर, कलर, नहीं राइट कलर। ठीक है, हाँ ओके। और बट अभी भी कोई यहाँ पे टच कर सकता है, इसको पता तो ही कुछ नहीं लिख चल रहा है, नहीं सकता। हाँ बट अगर किसी ने छेड़छाड़ कर दिया तो भी तो दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं हो अगर सकता कि उसको इधर एडिट का मोड कोई भेजेंगे तो उसको टच एडिट यूज मोड ही में ना कर भेजे पाए। नहीं, किसी को एडिट मोड में भेजे ही नहीं। हाँ एडिट मोड में तो किसी को भेजूंगा नहीं, वो तो है। ठीक है, हाँ तो आप समझ गए ना सर डैशबोर्ड कैसे बनता है। हाँ और एग्जांपल देने की जरूरत है या काफी है?